हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आई गॉट येट अनदर स्टोरी फॉर यू। लेट्स लर्न। एक व्यक्ति ने एक शक्तिशाली और वफादार कुत्ता पाल रखा था। तो एक व्यक्ति की इंग्लिश अब लिखेंगे अमैन। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या, अब सब्जेक्ट हमने लिख दिया अमैन। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, पाल रखा था, तो केप्ट। पाल रखा था आप लिख सकते हैं हैड या फिर केप्ट। अमैन केप्ट किसको पाल रखा था, एक शक्तिशाली और वफादार कुत्ता। तो शक्तिशाली और वफादार क्या है, एडजेक्टिव है। तो शक्तिशाली का की इंग्लिश होगी पावरफुल, अ पावरफुल। एंड वफादार की इंग्लिश होती है फेथफुल, डॉग। अब पावरफुल एंड फेथफुल ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। अमैन सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या हो गई, केप्ट पाल रखा था, किसको पाल रखा था, एक शक्तिशाली और वफादार, ये पूरा ही सब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस है, वह अपने मालिक के घर की सावधानी पूर्वक रखवाली करता था। तो वह इट, कुत्ते के लिए, एनिमल के लिए हम इट का यूज करते हैं, पालतू है तो आप उसके लिए ही का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी इट का ही यूज करेंगे। वह अपने मालिक के घर की सावधानी पूर्वक रखवाली करता था। अब इट तो हमने लगा दिया कुत्ते के लिए, अब वहां पर वर्ब क्या है, रखवाली करना। तो रखवाली करने की इंग्लिश क्या होती है, गार्ड। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो गार्ड की सेकंड फॉर्म गार्डेड हो जाएगी। गार्डेड किसकी रखवाली करता था, अपने मालिक के घर की। गार्डेड हिज मिस्टर्स होम। मालिक के घर की रखवाली करता था। अब लिखा है सावधानी पूर्वक, तो सावधानी पूर्वक की इंग्लिश होती है कॉशियसली। कॉशियसली उसका मालिक उससे बहुत प्यार करता था। तो उसका मालिक इट्स मिनिस्टर या फिर हिज मिनिस्टर। बॉस भी आप लिख सकते हैं, बहुत प्यार करता था। इसको तीन तरीके से लिख सकते हैं, हिज मिनिस्टर्स, हिज मिनिस्टर वुड लव इट सो मच। अगर आप यहाँ पर ही लगा रहे हैं तो हिज हो जाएगा, इट नहीं होगा। हिज मिनिस्टर वुड लव हिम सो मच होगा, लेकिन अगर आप इट लगा रहे हैं तो हिज इट्स मिनिस्टर वुड लव इट सो मच। अब एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका होगा अगर हम हिज से देखते हैं तो हिज मिनिस्टर लव्ड हिम सो मच। अगला तरीका है इसका, हिज लगाना हो तो हिज लगा लीजिए, इट लगाना हो तो इट लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। हिज मिनिस्टर यूज्ड टू लव हिम सो मच। तीनों तरीके हैं पास्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, हमारे पास तीन तरीके हैं। इन तीनों तरीकों में जो आपको सुटेबल लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। तो नाउ यू हैव थ्री ऑप्शन टू डिस्क्राइब योर पास्ट इंसिडेंट्स, सो वट एवर वे यू लाइक यू कैन चूज। और उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करता था, प्यार करता था और उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करता था। एंड देखभाल करता था,
तो तुक, टेक केयर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो टेक की सेकंड फॉर्म टुक हो गई। took care of him so much, him या फिर it, अगर आप it का यूज कर रहे हैं तो फिर it, and took care of him so much। दोस्तों अगला सेंटेंस है, प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो बिकॉज यू आर लर्निंग हाउ टू ट्रांसलेट अ स्टोरी इन टू इंग्लिश एंड इन दिस सेंस यू कैन ऑल्सो लर्न लॉन्ग सेंटेंसेस इन टू इंग्लिश एंड इफ यू नो दैट हाउ टू ट्रांसलेट लॉन्ग सेंटेंसेज इन टू इंग्लिश देन योर इंग्लिश स्पीकिंग इज गोइंग टू बिकम फ्लुएंट। यू नीड नॉट टू गो फॉर एनी अदर क्लासेस टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, यू जस्ट वॉच माई वीडियोज and was telling you will be fluent in English by itself, so please do not skip the video। एक दिन कुत्ता दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो one day कुत्ता, अब हम उसी कुत्ते की बात कर रहे हैं, अब ए डॉग नहीं लगाएंगे, हम द डॉग लगाएंगे, ए लगाएंगे तो फिर हमें नहीं पता कि इस कुत्ते की बात हो रही है, लेकिन हम उसी कुत्ते की बात कर रहे हैं जिसके पहले पैराग्राफ में हमने बात की, तो इसलिए द लगेगा। One day the dog दुर्घटनाग्रस्त हो गया, met an accident, या फिर got in accident, met an accident, या फिर get की सेकेंड फॉर्म got an accident, दोनों में से कोई एक आप चूज कर लीजिए, लिख लीजिए। दुर्भाग्यवश दुर्घटना में उसका पीछे का एक पैर बुरी तरीके से घायल हो गया। दुर्भाग्यवश की इंग्लिश होती है मिसफॉर्चुनेटली। मिसफॉर्चुनेटली दुर्घटना में उसका पीछे का एक पैर बुरी तरीके से घायल हो गया, मिसफॉर्चुनेटली। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, क्या घायल हो गया, उसका पीछे का एक पैर, पीछे दो पैर होते हैं, एक पैर घायल हो गया, तो वन ऑफ इट्स बैक लेग्स, लेग नहीं होगा लेग्स होगा, दोनों पैरों में से एक पैर हुआ ना, तो दोनों पैरों की इंग्लिश क्या होगी, बैक्स लेग्स, वन ऑफ इट्स बैक लेग्स, दो पैरों में से एक पैर, तो इसीलिए यहाँ पर लेग्स होगा लेग नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम दो पैर की बात, दोनों पैरों में से एक पैर की बात कर रहे हैं, तो वन ऑफ इट्स बैक लेग्स क्या होगा, बुरी तरीके से घायल हो गया, गॉट बैडली वुंडेड, वुंड का मतलब होता है जख्म, घायल हो गया, जख्मी हो गया, उसका घाव ठीक नहीं हुआ, द वुंड उसका घाव, इट्स वुंड या फिर द वुंड, अब चूंकि वुंड की ही बात हो रही है, उस पैर में जो घाव लगा था उसकी बात हो रही है, तो हम वुंड लिख देंगे, या फिर हिज वुंड या फिर इट्स वुंड, डिड नॉट केयर, वो ठीक नहीं हुआ, डिड नॉट क्योर, वो ठीक नहीं हुआ। अब बेचारा कुत्ता एक पैर से लंगड़ा कर चलता, Now the poor dog
नाउ द पुअर डॉग चलता वुड, एक पैर से लंगड़ा कर, लंगड़ा कर चलने की इंग्लिश होगी लिम्प, वुड लिम्प, एक पैर से तो विद वन लेग, नाउ द पुअर डॉग वुड लिम्प विद वन लेग, अब लंगड़ा कर चलना, लिम्प का मतलब यही होता है लंगड़ा कर चलना, अब लिम्प लग दिया फिर वॉक वो गलत हो जाएगा, वुड लिम्प विद वन लेग, वो लंगड़ा कर एक पैर से चलता था। दोस्तों अगला पैराग्राफ है, प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो, यू कैन नॉट बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश ओवर नाइट, इट टेक्स टाइम एंड यू नो हाउ मेनी ईयर्स इट टुक मी टू बिकम फ्लुएंट एंड टू कम टू दिस एक्सटेंट मोर देन 2 ईयर्स, सो प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो। उसका मालिक भी अब उससे प्यार नहीं करता था, तो हिज मिनिस्टर, अब उसका मालिक उससे प्यार नहीं करता था, पहले करता था अब नहीं करने लगा था। तो अगर आप किसी और ट्रांसलेटर से, किसी और से जो who does not have that much experience, if you ask him how to translate this sentence into English, he would say, now his minister did not love him. But this is not correct. Now his minister, या फिर his minister no longer loved him. Loved him. His minister no longer loved him. अब उसका मालिक अब उससे प्यार नहीं करता था। अब यहाँ पर ये ना कि now his minister did not love him, वो उसका सेंस अलग हो जाता है। अगर लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में इसका सेंस ये होगा कि वो पहले प्यार करता था अब नहीं करता था। His minister no longer loved him. क्योंकि उसे लगता था कि एक लंगड़ा कुत्ता कभी भी अच्छा चौकीदार नहीं हो सकता था। तो क्योंकि इंग्लिश हम लिख देंगे बिकॉज, बिकॉज नहीं लिख, अगर आप बिकॉज नहीं लिखना चाहते हैं, इफ यू थिंक इफ इट इट साउंड्स लाइक ओल्ड देन यू कैन पुट हेयर फॉर, फॉर इज सब्स्टिट्यूट ऑफ बिकॉज, देखते हैं बिकॉज उसके बाद फॉर लगा करके देखते हैं, बिकॉज उसे लगता था, उसे उसके मालिक को लगता था, लगना की इंग्लिश होती है फील, अब फील की सेकंड फॉर्म हो जाती है फेल्ट, बिकॉज ही फेल्ट क्या लगता था, दैट लंगड़ा कुत्ता कभी भी अच्छा चौकीदार नहीं हो सकता, लंगड़ा कुत्ता, एक लंगड़ा कुत्ता। A limp of a limping dog. A limping dog cannot be good. चौकीदार की इंग्लिश होती है गार्ड। एक दिन कुत्ते के मालिक ने देखा कि कुत्ता बगीचे में एक नींबू के पौधे के आसपास घूम रहा है। एक दिन की इंग्लिश होगी। अब यहां पर देख लीजिए, फॉर अगर लगाना होता तो हिज मिनिस्टर नो लॉन्गर लव्ड हिम फॉर ही फेल्ट अ लिंपिंग डॉग कैन नॉट बी अ गुड गार्ड, फॉर ही फेल्ट, फॉर का मतलब यहां पर क्योंकि से ही हो जाता। आप लोगों को नहीं पता होता है कि फॉर का मतलब वो समझते हैं कि फॉर का मतलब लिए होता है, लेकिन फॉर का मतलब क्योंकि भी होता है। अगर यहाँ पे फॉर आप लगाएंगे तो उसका सेंस क्योंकि से ही निकलेगा, बिकॉज या फिर स्लैश फॉर। एक दिन कुत्ते के मालिक ने देखा कि कुत्ता बगीचे में एक नींबू के पौधे के आसपास सूंघ रहा है। तो एक दिन की इंग्लिश सब लोग ले लेंगे, वन डे। कुत्ते के मालिक ने देखा,
मिनिस्टर ऑफ द डॉग देखा कि, देखना कि इंग्लिश होती है सी, पास्ट इंडेफिनिट है तो सॉ, क्या देखा कि कुत्ता बगीचे में एक नींबू के पौधे के आसपास सूंघ रहा है। अब पौधे के आसपास बगीचे में सब भूल जाओ, लिखना क्या है आपको, वर्ब लिखना है। वर्ब देखा दैट द डॉग, कुत्ता सूंघ रहा है, वॉज स्निफिंग, कहाँ, नींबू के पौधे के आसपास, अराउंड अ लेमन प्लांट, नींबू के पौधे के आसपास सूंघ रहा है, स्निफिंग अराउंड अ लेमन प्लांट, कहाँ पर, एक बगीचे में, इन द गार्डन। कितना आसान सा सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस है, प्लीज डू नॉट गो एनीवेयर। मालिक ने नींबू के पौधे के पास से मिट्टी लेकर उसका निरीक्षण किया। मालिक ने, तो दी मिनिस्टर यहाँ पर दो सेंटेंस है। मालिक ने नींबू के पौधे के पास से मिट्टी लेकर, मिट्टी लिया और उसका निरीक्षण किया, तो द मिनिस्टर टुक द सॉइल नींबू के पौधे के पास की मिट्टी ने, सॉइल निया द लेमन प्लांट, है ना, नींबू के पौधे के पास की, द लेमन प्लांट, और उसका निरीक्षण किया। एंड निरीक्षण करना के लिए होती इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टर होता है पुलिस इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्ट का मतलब वो होता है निरीक्षण करना, और जो निरीक्षण करता है उसको इंस्पेक्टर बोलते हैं, तो इंस्पेक्ट निरीक्षण किया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसमें ईडी लग जाएगी, इंस्पेक्टेड एंड इंस्पेक्टेड, निरीक्षण किया, तो पाया एंड फाउंड कि वह मिट्टी नींबू के पौधों के लिए बहुत उपजाऊ है। दैट फाउंड दैट द सॉइल इज सो मच फर्टाइल, उपजाऊ की इंग्लिश होती है फर्ट, द सॉइल इज सो मच फर्टाइल, किसके लिए, नींबू के पौधों के लिए, फॉर द लेमन प्लांट्स, बहुत उपजाऊ है, इसलिए उसने वहां पर खूब सारे नींबू के पौधे लगाए जिससे उसे बहुत अधिक लाभ हुआ। इसीलिए की इंग्लिश होती है सो, दस फॉर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सो उसने वहां पर बहुत सारे नींबू के पौधे लगाए। ही उसने प्लांटेड, ही प्लांटेड क्या लगाए, नींबू के बहुत सारे पौधे। सो मच प्लांट्स ऑफ लेमन, जिससे उसे बहुत अधिक लाभ हुआ। जिससे इंग्लिश होती विच, उसे बहुत लाभ हुआ, विच बेनिफिटेड, हिम अ लॉट, कितना आसान सा सेंटेंस हो जाता है। प्लीज प्लीज डोंट बी स्केयर्ड ऑफ लुकिंग लॉन्ग सेंटेंस दैट हाउ यू आर गोना ट्रांसलेट इट, नो, यू जस्ट नीड टू रिकग्नाइज
सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, इफ देर इज अदर देन यू माइट नीड टू रिकग्नाइज इट. इन सम सेंटेंसेस देर आर मोर देन वन सब्जेक्ट, मोर देन वन वर्ब, देन यू जस्ट नीड नॉट टू बी स्केयर्ड ऑफ, जस्ट पुट वन बाय वन एंड सेंटेंस विल बी यू नो ट्रांसफॉर्म बाय इटसेल्फ. अब मालिक अपने कुत्ते को एक बार फिर से प्यार करने लगा. नाउ द मिनिस्टर अपने कुत्ते को फिर प्यार करने लगा. नाउ द मिनिस्टर वंस अगेन, फिर से इंग्लिश होती है, वंस अगेन स्टार्टेड लविंग हिज डॉग. नाउ द मिनिस्टर वंस अगेन स्टार्टेड लविंग हिज डॉग. उसकी समझ में आ गया था कि शारीरिक रूप से अपंग कुत्ता भी उपयोगी हो सकता है. उसकी समझ में आ गया था कि इंग्लिश होगी ही, उसकी समझ में आ गया था, ही गॉट टू नो, ही गॉट टू गेट टू नो. गेट की सेकेंड फॉर्म लगी है गॉट, जो कि पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है. ही गॉट टू नो, उसकी समझ में आ गया था, उसको पता चल गया था दैट शारीरिक रूप से अपंग कुत्ता, अब फिजिकल अब फिजिकल डिसेबल अब फिजिकल डिसेबल डॉग, या फिर फिजिकली डिसेबल डॉग, अब फिजिकल डिसेबल डॉग भी. अब भी लगा है तो हमने एक गलती कर दी है. फिजिकल शारीरिक रूप से अपंग कुत्ता भी है ना, तो इवेन. अब भी वहां पे देखो कुत्ता भी लिखा है तो कुत्ता के बाद भी लगा है, लेकिन इंग्लिश बनाते समय हम भी की इंग्लिश पहले लिख देंगे इवेन. ऑल्सो नहीं होगा, इवेन होगा. इवेन ऑफ, अगर आपको इवेन और ऑल्सो में क्या अंतर होता है ये अंतर जानना है तो प्लीज राइट क्लिक कीजिए. हमने एक वीडियो बनाया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को. तो वहां पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा. इवेन अ फिजिकल डिसेबल डॉग इज बहुत उपयोगी हो सकता है. तो इज नहीं होगा, कैन बी, हो सकता है, कैन बी सो मच यूजफुल, कैन बी सो मच यूजफुल. सो गाइज, इफ यू लाइक्ड माई वे ऑफ ट्रांसलेटिंग इंग्लिश इंटू इंग्लिश, ट्रांसलेटिंग स्टोरी इंटू इंग्लिश, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर.